देखो ये आवाज कैसे आ रही है। हे डॉली जुलूस, जुलूस में पालकी होगी और खूब शोर शराबा, नाच गाना मस्ती ही मस्ती। चलो हम भी शामिल होते हैं इस जुलूस में। धर्म के नाम मस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सच्चा धर्म तो कोई समझता ही नहीं। सच्चा धर्म ये कैसा होता है सच्चा धर्म डॉली? देखो तो समझ जाओगे मिकू। धर्म क्या है और क्यों करे? अरे अरे यह देखो चिंतन क्या कर रहा है। अरे चिंतन तू क्यों इस बिच्छू को बचाने के चक्कर में पड़ा है? मरने देना यार इसको। तो इसको मरने से बचाना चाहता है और फिर भी वह तुझे काट रहा है। अरे बेचारा यह जीव पानी में तड़प कर मर जाएगा, मुझे इसे बचाना ही होगा। यह क्या पागलपन है चिंतन, यह बिच्छू तुझे काट रहा है फिर भी तू उसे बचाने के चक्कर में पड़ा है। अरे पर इसे पता भी है या नहीं कि तू इसे मरने से बचाकर जीवन दान देना चाहता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जीवानी माता न जाने हमें कितने भवों से समझा रही है, और हमें पता भी है या नहीं कि जीवानी माता हमारी भलाई के लिए हमें चीर निद्रा से बचा रही है, और हम है कि अपने धर्म से बाहर ही रहते हैं, सच्चा धर्म स्वीकृति नहीं करते हैं। धर्म कैसा धर्म, कैसा सच्चा धर्म? सुनो सहज, यह बिच्छू एक तिर्यंच प्राणी होकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है, अपने काटने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। तो हम भी अपना दया धर्म क्यों छोड़े, अपने स्वभाव को क्यों भूले? दया धर्म, क्या दया करने से धर्म होता है? हम कुछ पीड़ा सहकर धर्म क्यों करें? सच बात तो यह है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप, वस्तु का सच्चा स्वभाव ही धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है तो शीतलता पानी का धर्म है, वैसे ही ज्ञान दर्शन चेतना दया क्षमा यह अपना धर्म है। आपने कभी देखा है किसी आदमी को ज्यादा समय क्रोध में रहते हुए? नहीं। कभी ना कभी उस आदमी का क्रोध शांत हो ही जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपना स्वभाव शांत है, अधिक समय तक पानी गर्म नहीं रह सकता है। वैसे ही हम क्रोधादि विभावों में अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। हर एक आदमी सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, इसी सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें धर्म करना चाहिए। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात तूने कही है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दादा दादी पापा मम्मी सभी बड़े लोग कह रहे हैं इसलिए हमें धर्म नहीं करना है। धर्म तो जीवन जीने की एक कला है। हर एक चीज से हमें परीक्षा प्रदान होना चाहिए, जैसे रात में खाना नहीं खाना। डॉक्टर भी कहते हैं कि रात में सोने से पहले 4-5 घंटे पूर्व ही हमें भोजन करना चाहिए, जैसे कि एक और पानी छान कर पीना। डॉक्टर भी कहते हैं कि अनछाना जल पीने से अनंत जीव अपने पेट में जाकर हमारे स्वास्थ्य में बिगाड़ हो जाता है। पानी में भी अनंत जीव होते हैं, इसलिए इन सभी जीवों को हमारे जैसे जीव समझकर दुख नहीं देना चाहिए। वस्तु का सच्चा स्वरूप अगर हम समझे तो हमारा जीवन भी सुख शांतिमय होगा। हम भी अभी से जीवन जीने की कला सीखेंगे, वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझेंगे तो ही सच्चा धर्म समझ पाएंगे। ठीक कहा है प्रशम ने, हम सभी को वस्तु का स्वरूप समझकर जीवन जीने की कला समझना चाहिए। इतनी अच्छी स्टोरी सुन रहा हूँ, और ये मम्मा ना हमेशा आवाज दे देकर डिस्टर्ब करती रहती है। तो फिर मिलाओ ना मम्मा से। मैं नहीं जाऊँगा, मैं बोल के आया हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, पर फिर भी वो सुनती ही नहीं है। मिकू इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तो क्या करूँ, तेरे सर पर बैठकर तबला बजाऊं? ये देखो क्रोध से क्या नुकसान होता है, और बाद में सोचना कि क्रोध करे
या ना करे। देखो ये क्रूस की कथा। चिद्रूप, अरे चिद्रूप बेटा, मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ और तू है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या है बेटा? स्कूल के लिए देर हो रही है और आपका होमवर्क भी बाकी है। मम्मी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। अब बस भी करो। लो, आपके दोस्त भी आ गए। जय जिनेंद्र चिद्रूप, चलो स्कूल नहीं चलना है क्या? अरे स्वरूप, आपने आपका होमवर्क किया या नहीं? हाँ आंटी जी, सुबह ही जैनी बच्चे के गाने सुनते सुनते होमवर्क कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे चिद्रूप, दो हफ्ते से आप पाठशाला क्यों नहीं आ रहे हो? क्या करे बेटा, पाठशाला के टाइम पर ही उसके कराटे की क्लास चलती है, इसीलिए उसका पाठशाला आना ही नहीं होता। अरे चिद्रू, चलो ना, देरी हो रही है। तू जाना यार, मुझे स्कूल नहीं आना है, जा। नहीं बेटा स्वरूप, जरा रुको, मैं अभी इसे तैयार करके स्कूल भेजती हूँ। चिद्रू, चिद्रू, सुना नहीं तुमने? चलो टीवी बंद करो। नहीं नहीं मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। मम्मी, टीवी बंद मत करना। अरे ये क्या किया तुमने? देखो तो आंटी जी को कितनी चोट लगी। तो टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरा नहीं सुनोगे तो मैं ऐसा ही करूँगा। आंटी जी, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। यहाँ बैठिए, मैं आपको दवाई लगा दूँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा चोट आई है। मम्मी ने टीवी बंद कर दिया तो मैं क्या करता? मुझे गुस्सा आया तो मैंने फेंक कर मार दिया। चिद्रूप, तुम्हें तुम्हारे किए पे थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं? तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। एक तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से WWF देख रहे हो, वो भी स्कूल टाइम पर। स्कूल आने का छोड़कर माँ को ही मार दिया और सॉरी बोलने के बजाय क्रोध कर रहे हो। कल पाठशाला के पंडित जी भी बता रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए और वह सारी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे क्रोध को बढ़ावा मिले। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा है पंडित जी ने। देखो तो चिद्रूप, तुम WWF का प्रोग्राम देख रहे थे जिससे तुम्हारे क्रोध को बढ़ावा मिल गया। हमें टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखने चाहिए जिससे हमारा मन शांत और संस्कारी हो। हाँ एक बात और, क्रोध से हमें क्या फायदा मिला है? और तो और, अपना ही नुकसान होता है। एक तो माँ को चोट लग गई, ऊपर से दवा पानी का खर्चा हुआ वो अलग, और जो माँ को होने वाली तकलीफ है उसका क्या? फ्लावर पॉट भी टूट गया, अगर टीवी फूट जाता तो कितना नुकसान होता। क्रोध से अपने शरीर के अंदर की पेशियां भी जल जाती है, इसीलिए जो चिड़चिड़ा आदमी है उसकी सेहत भी ठीक नहीं होती। क्रोध से हमें चतुर्गति भ्रमण होता है, ऐसा इतना बड़ा अपना नुकसान होता है, फिर क्या हमें ऐसा क्रोध करना चाहिए चिद्रूप? सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आपको बहुत चोटें लग गई, अभी आगे से ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। वेरी गुड बॉय। और हाँ चिद्रूप की माँ, आपको भी सलाह देना चाहती हूँ, अपने बच्चे को ऐसे क्लासेस लगाओ कि जिससे वो कुछ सीखे, जिससे उन्हें कुछ संस्कार मिले, जिससे आगे चल के उनका जीवन सुसंस्कारित हो, ना कि कराटे जैसे क्लास लगाओ जिससे क्रोध को बढ़ावा मिले। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं भी चिद्रूप को ऐसे ही संस्कार दूंगी, उसे पाठशाला भेजा करूंगी जिससे हमारा जीवन सुसंस्कारमय हो। आपने मेरी सही समय पर आंखें खोली।